प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मुस्कान बदल गई है और उनकी आंखें बोलने लगी हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा साक्षात उस इंसान ने बोला है जिसने इस मूर्ति का निर्माण किया है और जो इस मूर्ति के साथ पिछले 8 महीने से था। दरअसल इन दिनों अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है और रामलला के विग्रह की खूब चर्चा हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी प्रभु श्री राम की 2 छवि शेयर की जा रही है। एक तस्वीर तो वो है जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले की है और दूसरी तस्वीर है प्रभु श्री राम के पूजा के बाद की। विग्रह में 2 फर्क साफ साफ नजर आ रहे हैं और गर्भगृह में रामलला की आंखें सजीव दिखने लगी हैं। प्रभु श्री राम की आंखें बिल्कुल जीवित लग रही हैं और उनकी बाल सुलभ मनमोहक मुस्कान भी निखर गई है। लेकिन आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? एक ही मूर्ति पूजा के बाद अलग कैसे नजर आ रही है? लोग अक्सर बोलते हैं कि पत्थरों में जान नहीं होती, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति को देखने के बाद कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि यह जीवित बच्चे की मूर्ति लग रही है और ऐसी मूर्ति बनाना एक आम बात नहीं है। प्रभु श्री राम की मूर्ति की तस्वीर तो हमने पहले भी सोशल मीडिया पर देखी थी, लेकिन हाल ही में जब प्राण प्रतिष्ठा की गई है उसके बाद जो मूर्ति का रूप हो चुका है वो बेहद चमत्कारी है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति का स्वरूप पूरा बदल चुका है और रामलला की मूर्ति गढ़ने वाले अरुण योगी राज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो वो मंत्रमुग्ध रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलला को उन्हीं ने गढ़ा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे और उन्होंने कहा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए। उनकी आंखें जीवित हो चुकी हैं और होंठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आ गया है। आप खुद ही यहाँ पे प्रभु श्री राम की पहले की मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा के बाद की मूर्ति को देख सकते हैं और आपको ये फर्क अपनी आंखों से साफ साफ पता चल रहा होगा। रामलला की मूर्ति को जिस पत्थर से बनाया गया है वो पत्थर भी काफी ज्यादा चमत्कारी है। रामलला की मूर्ति 2.5 अरब साल पुराने काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है जिसे कृष्णशिला का नाम दिया गया है। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण आज से 7000 और 5000 पहले धरती पर मौजूद थे और ये जो पत्थर है ये उससे भी पुराना है। इसका नाम कृष्णशिला है और इसे कर्नाटक के जयपुरा होबली गांव से अयोध्या लाया गया। इसकी खासियत ये है कि इस पत्थर पर मौसम और पानी का कोई भी असर नहीं होगा। अगर विग्रह पर दूध या जल से अभिषेक किया जाएगा तो भी कृष्णशिला पानी नहीं सोखेगा। अरुण योगीराज ने इस 51 इंच की मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगाए। अरुण योगी राज को रामलला की खासियत बताई हुई थी कि रामलला कैसे दिखते हैं और यही दायित्व सौंपा गया था कि उन्हें एक 5 वर्षीय रामलला की मूर्ति बनानी है। 5 साल के बच्चे की छवि गढ़ने के लिए उन्होंने काफी रिसर्च की, शिल्प शास्त्र की कई सारी किताबें भी पढ़ी और मुस्कान और हाव भाव समझने के लिए अरुण योगी राज स्कूलों में जाकर बच्चों से भी मिले। अरुण ने कई सारे स्केच बनाए और कृष्णशिला पर हाथ आजमाने से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया। अरुण योगी राज इस मूर्ति को बनाने के लिए आधी आधी रात तक जागा करते थे और 5 साल के रामलला को बनाने के लिए बारीकियों का ध्यान रखते थे। इसके बाद भी वर्कशॉप में रखी गई मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विग्रह के रूप में फर्क साफ साफ नजर आ रहा है। अरुण योगी राज ने जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस मूर्ति को देखा तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति तो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि ये मूर्ति जो मैंने मूर्ति बनाई थी उससे कई ज्यादा जीवित नजर आ रही है। अगर अरुण योगी राज के परिवार की बात करें और उनकी बैकग्राउंड की बात करें तो वो पिछले 300 सालों से मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं। उनके पिता योगी राज और दादा बसवन्ना भी एक कुशल शिल्पकार थे और अपने परिवार के 5वीं पीढ़ी के शिल्पकार हैं अरुण योगी राज। वह भी बचपन से ही पुश्तैनी कला को सीखते आ रहे हैं। अरुण योगी राज ने MBA किया हुआ है जिसके बाद वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे थे, लेकिन 2008 के बाद वो मूर्ति कला और शिल्पकारी के पेशे में लौट गए। अरुण का नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया जब 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और उन्होंने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर दिल्ली के इंडिया गेट में लगाई गई प्रतिमा को बनाया। इसके अलावा मैसूर में हनुमान जी की मूर्ति, बाबा साहेब अम्बेडकर और रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा भी अरुण योगी राज ने बनाई। और एक इंटरव्यू के दौरान अरुण योगी राज ने ये भी बताया कि जब वो रामलला की मूर्ति बना रहे थे तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि ये सौभाग्य उन्हें साक्षात भगवान ने ही
सौंपा गया है। उनका कहना था शायद भगवान राम चाहते थे कि वे ग्रह उन्हीं के हाथों से बने और बनाने के दौरान उन्हें कई बार ऐसी अनुभव हुआ कि खुद ईश्वर उनसे ये काम करवाना चाहते हैं। मूर्ति बनाने के समय अरुण योगीराज के आंख में एक बहुत ही नोकीला पत्थर भी चला गया था, जिसके बाद ऑपरेशन के द्वारा उस पत्थर को निकाला गया। लेकिन उसके बावजूद भी अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को समय रहकर बना दिया और आज हमारे सामने साक्षात प्रभु राम की ये प्रतिमा है, ये मूर्ति है, जो कि अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद जीवित हो चुकी है। कलयुग में साक्षात प्रभु श्री राम का आगमन फिर से हो चुका है। अगर आप भी इस मूर्ति को देखेंगे तो यकीनन आप भी ये बात मानेंगे, इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जान आ चुकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में जय सियाराम जय हनुमान लिखना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम जय हनुमान।